वे कशिश चीख रही थी, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहाँ उस सुनसान से खंडर में कोई नहीं था सिवाय विक्रम के, जो उसे किसी हैवान की तरह नोचने में व्यस्त था। चीख और चीख, तेरी इन चीखों से मेरे दिल को सुकून आ रहा है। इस जबान से तुमने उस दिन मुझे बेइज्जत किया था ना, देख आज मैंने तेरे इसी जबान को यहाँ मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। पर अफसोस, तेरी चीख सुनकर यहाँ इस खंडर पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। विक्रम हंसता हुआ बोला और अपने दांत कशिश के नाजुक गर्दन पर गड़ा दिया। कशिश चीखती रही, लेकिन उस सोई हुई रात को उसे बचाने वाला कोई नहीं आया। आखिरकार उसकी चीखें भी अंदर ही अंदर घुट कर रही थी, लेकिन अपनी बेबसी पर नफरत करती उसकी आंखें अब भी लगातार आंसू बहाने में लगी थी। करीब भोर के समय जब विक्रम अपनी मनमानी करके थका, तब तक कशिश एक जिंदा लाश बन चुकी थी, जिसकी सांसें तो चल रही थी मगर उसकी असीमता के साथ उसकी चेतना का भी हरण हो चुका था। कशिश को ऐसे निर्जीव की तरह पड़े देख बगल से विक्रम अपना शर्ट उठाकर झाड़ता हुआ बोला, उम्मीद है आज के बाद तुम दिखोगी नहीं, जान दे देना अपनी, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे घर वाले तुम पर शर्मिंदा होंगे और ये समाज तुम्हें हर जगह से धिक्कार देगा। इतना कहकर विक्रम वहां से चला गया, मगर उसकी आखिरी बातें कशिश के बेजान शरीर में जैसे एक नई ऊर्जा दे गई। एकाएक ही उसकी आंखें फड़फड़ा उठी और वो अपनी जगह पर किसी तरह उठकर बैठी। पेट के निचले हिस्से में बेहिसाब दर्द के कारण उसके पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। कशिश थोड़ी देर तक वैसे ही बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर पड़े अपने दुपट्टे को उठाकर खुद को उससे लपेट लिया और बाहर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, गलत किया तुमने विक्रम, गलत किया। तुम मुझे मार देते तो शायद तुम्हारा ये घिनौना खेल यहीं खत्म हो जाता, मगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया। अब इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना होगा, वादा है मेरा तुमसे। आज जिस रात की वजह से तुम्हारे होठों पर जीत की मुस्कान है, एक दिन इसी रात को याद करके तुम सबसे ज्यादा पछताओगे। अगले दिन दोपहर के 12 बजे शारदा विला के बैठक में उमेश जी गुस्से से तिलमिला रहे थे और उनसे कुछ दूर विक्रम अपना सिर झुकाए खड़ा था। उमेश जी राज्य के अहम नेताओं में से एक थे और उन्हीं का इकलौता बेटा था विक्रम। सुबह घर लौटने के बाद विक्रम अपने रूम में चैन की नींद सो रहा था, पर 11 बजे से शारदा निवास के आगे खड़ी मीडिया की भीड़ ने विक्रम और उमेश जी को उनके घर के बैठक में एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। उमेश जी ने विक्रम से कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि बाहर से उनका असिस्टेंट भागते हुए आया और उमेश जी से बोला, सर जल्दी चलिए, बाहर मीडिया की भीड़ को और रोक पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो रहा है, वो लोग बस किसी तरह विक्की बाबू से मिलना चाहते हैं। असिस्टेंट की बात सुनकर उमेश जी विक्रम पर भड़कते हुए बोले, ये सब क्या है विक्की, कहाँ थे कल रात को तुम? मीडिया वाले कह रहे हैं कि कल रात तुमने किसी लड़की का रेप किया, क्या ये सच है? उमेश जी की बात पर विक्की कुछ बोलता उसके पहले ही सारे मीडिया वाले धड़धड़ाते हुए अंदर आ गए और अपने सवालों के तीर उमेश जी पर फेंकने लगे। सर क्या ये बात सच है कि आपके बेटे विक्रम ने किसी लड़की का रेप किया है? सर आप इस बात को टाल नहीं सकते क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में आपके बेटे की गाड़ी को साफ साफ उस जगह से निकलते देखा गया है जहां कशिश नाम की लड़की का कल रेप हुआ था। उमेश जी उनके ईद की बात ईद किए गए सवालों से परेशान थे और विक्रम एक तरफ खड़ा बहुत चक्का सा ये सब देख रहा था। शारदा निवास की सिक्योरिटी मीडिया की भीड़ को संभालने में निरंतर विफल हो रही थी। ये सब चल ही रहा था कि वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस को वहाँ देख उमेश जी को थोड़ी राहत पहुँची कि शायद अब पुलिस मीडिया को कंट्रोल कर यहाँ का बिगड़ा माहौल कुछ संभाल सके, लेकिन उनकी ये उम्मीद भी तब टूटी जब पुलिस ने विक्रम का अरेस्ट वारंट उमेश जी को पकड़ाते हुए कहा,
सर, विक्रम सर को हमारे साथ इंक्वायरी के लिए जाना होगा। उन पर ये आरोप है कि उन्होंने कल रात कशिश नाम की लड़की का रेप किया था। पुलिस की बात सुनते ही विक्रम को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। वो उमेश जी के पास आकर हकलाते हुए बोला, पापा ये सब। विक्रम की बात खत्म होने से पहले ही उमेश जी ने हाथ दिखाकर उसे रुकने के लिए कहा और अपनी रौबदार आवाज में वहां खड़े सभी को शांत कराते हुए बोले, शांत हो जाइए सभी, ये सब झूठ है। आने वाले इलेक्शन में मुझे नीचा दिखाने की साजिश की गई है। उमेश जी की बात सुनते ही मीडिया में से किसी ने सवाल किया, अगर ऐसा है तो आपकी बेटी की गाड़ी कल रात शहर के बाहर वाले खंडर में क्या कर रही थी सर? और ऊपर से कल रात जिस वक्त उस लड़की का रेप हुआ, उस वक्त विक्रम सर की फोन की लोकेशन भी वहीं की थी। इतने सारे पुख्ता सबूत होने के बाद भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सब आपके ओपोनेंट पार्टी की चाल है? सारी बातें सुनकर उमेश जी ने जलती हुई निगाहें विक्रम पर गड़ाते हुए कहा, ठीक है, आप सबको अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं खुद जाऊंगा उस लड़की से मिलने। और मैं वादा करता हूँ, अगर उस लड़की के साथ मेरे बेटे ने कुछ गलत किया होगा तो इसका इंसाफ मैं खुद करूँगा। उमेश जी की बात सुनकर वहाँ पूरी तरह से खामोशी सी पसर गई। लगभग 3 घंटे बाद शहर से कुछ दूर गांव के एक साधारण से घर में उमेश जी अपने असिस्टेंट के साथ कशिश और उसके परिवार के आगे बैठे थे। उस घर के बाहर 4 बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में बंदूक लिए तैनात थे। हाँ, ये कशिश का घर था। कशिश के बचपन में ही उसके माँ के गुजर जाने की वजह से उसके पापा ने दूसरी शादी करी थी और कशिश के पापा का देहांत भी 2 साल पहले हो जाने की वजह से अब उस घर में कशिश, कशिश की सौतेली माँ और सौतेली बहन थी। कशिश की माँ सरला जी और कशिश की बहन माया का व्यवहार कशिश के प्रति कभी अच्छा नहीं रहा। वक्त बेवक्त उन्होंने अपने सौतेला होने का आभास कशिश को हमेशा कराया था, इसलिए आज भी कशिश को उन दोनों से कोई खास उम्मीद नहीं थी। उमेश जी के यहाँ आने से पहले ही उन दोनों ने कशिश को खरी खोटी सुनाकर उसका दिल छलनी कर दिया था। उमेश जी ने ध्यान से कुछ देर कशिश को देखा और फिर उसकी माँ से बोले, देखिए सरला जी, आपकी बेटी के साथ जो हुआ है उसके बाद समाज आपको और आपकी बेटी को कुछ दिन की सहानुभूति जरूर देगा, लेकिन दिल से कोई भी आप लोगों को अपनाएगा नहीं। कुछ ही दिनों में आप लोगों से सभी दूरी बना लेंगे और आपकी दूसरी बेटी के भविष्य का तो सोचिए। कशिश के बारे में जानने के बाद क्या कोई भी आप लोगों से ताल्लुक रखना चाहेगा? उमेश जी की बात सुनकर सरला जी ने नफरत भरी निगाहें कशिश पर डाली और बेरहमी से उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोली, अपनी इज्जत तो लुटाकर ही आई थी, हमारा तो सोच लेती, मर क्यों नहीं गई तू? अब समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे? कशिश दर्द से कराह उठी। उसके चेहरे के निशान साफ बयां कर रहे थे कि कल उसके साथ क्या हुआ था। सरला जी को कशिश से ऐसा बर्ताव करते देख उमेश जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उन्होंने सरला को रोकते हुए कहा, अरे ये आप क्या कर रही हैं? शांत हो जाइए, जो होना था सो हो गया, पर मैं आप लोगों को अपनी इज्जत बचाने का एक मौका दे सकता हूँ। आपको बस एक काम करना है, अपनी बेटी से कहलवा दीजिए कि कल रात उसने वहाँ विक्रम का चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ उसकी गाड़ी देखी थी और विक्रम की गाड़ी देखकर ही उसे लगा कि उसके साथ बदतमीजी करने वाला लड़का विक्रम रहा होगा। बस इसके बाद आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरी, मैं खुद कल ही कशिश को अपने घर की बहू बना कर ले जाऊंगा और साथ में आप लोगों को 50 लाख रुपए भी दूंगा। अब आप सोच लीजिए, आपको इज्जत के साथ आराम से जिंदगी बितानी है या जीवन भर बेइज्जत होकर दर दर की ठोकरें खानी है? उमेश जी की बातें सुनकर सरला का चेहरा पैसों के लालच से चमक उठा। उनके चेहरे से टपकती लालच की लार देखते ही जहां उमेश जी पुरसुकून हो चुके थे, वहीं कशिश के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। वो अपनी माँ के इरादे को भांप चुकी थी।
उसको पता था अब उससे क्या करवाया जाएगा। थोड़ी देर बाद कशिश ने मीडिया और पुलिस के सामने उमेश जी के कहे अनुसार बयान दे दिया। तो उमेश जी भी अपना वादा निभाते हुए सभी के सामने बोले, माना मेरा बेटा कशिश के साथ हुए अपराध में शामिल नहीं था, लेकिन इस केस में उसे फंसा कर लांछित किया गया है, जिसकी वजह से शायद आपको कशिश की कही बातों से ऐसा लग रहा होगा कि ये सब मैंने इस बच्चे से जबरदस्ती कहलवाया है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं कल ही कशिश की शादी मेरे बेटे विक्रम से करवाऊंगा और कशिश को अपने घर की बहू बनाकर ले जाऊंगा। उमेश जी की बातों से चारों तरफ कोहराम मच गया। चारों तरफ उमेश जी के बड़प्पन की वाहवाही हो रही थी, पर असल बात तो सिर्फ कशिश को ही पता थी। आज फिर एक भ्रष्टाचारी नेता अपने तिगड़म लगाकर जनता के सामने देवता बन चुका था और जनता मूर्ख की तरह उस भगवान रूपी शैतान को पूजने में लगी थी। अगले दिन शारदा निवास में एक के बाद एक 3-4 गाड़ियां आकर रुकी। उन्हीं में से एक गाड़ी के अंदर से कशिश और विक्रम वर और वधु के रूप में उतर कर बाहर निकले। आगे जमी मीडिया की भीड़ से उमेश जी के सिक्योरिटी गार्ड्स विक्रम और कशिश को किसी तरह बचाते हुए अंदर ले गए, जहां उमेश जी उनके स्वागत में आरती की थाल लिए खड़े थे। घर में कोई महिला ना होने के कारण उन्होंने खुद ही मुस्कुराते हुए दोनों की आरती उतारी और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। कशिश के कदम शारदा निवास में पड़ चुके थे। उसके चेहरे पर उसकी पहली जीत की खुशी साफ झलक रही थी, पर वही विक्रम का दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। कमरे में आते ही विक्रम ने गले से अपना जयमाला निकाल कर दूर फेंक दिया और गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, उसने मुझसे पंगा लिया है विक्रम से। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे भिड़ने का, ये शौक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा कशिश, बहुत महंगा पड़ेगा। पीछे से आती कशिश ने विक्रम की सारी बातें सुन ली तो वो हल्का मुस्कुरा कर कमरे के अंदर आते हुए शांत लहजे में विक्रम से बोली, ये महंगा शौक तो मैंने उसी दिन पा लिया था विक्रम, जिस दिन तुम मुझसे पहली बार टकराए थे। अभी तो मैं उस शौक की कीमत अदा कर रही हूँ। कशिश की बात सुनते ही विक्रम बुरी तरह भड़क गया और कशिश के पास आकर उसके गाल दबोचकर दीवार से सटाते हुए बोला, बहुत जवान चलती है ना तेरी, ये जो जानबूझकर आग में छलांग लगाई है ना तूने, ये तुझे जलाकर राख कर देगी। तुझे पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। विक्रम की बात सुनकर कशिश खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी। विक्रम उसे हंसता देखकर असमंजस में पड़ गया और उसके गाल छोड़कर झुंझलाते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया है, हंस क्यों रही है पागलों की तरह। तो और क्या करूं, तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ रही है मुझे, कशिश ने कहा और विक्रम का कॉलर पकड़कर उसे खुद के नजदीक लाते हुए बोली, क्या करोगे, हाँ एक बार फिर जबरदस्ती करोगे मेरे साथ, क्या फर्क पड़ता है विक्रम, एक बार तो तुमने मुझे अपना घिनौना रूप दिखा ही दिया है, एक बार और सही, और इस बार तो मैं चिल्लाने भी नहीं वाली, आफ्टर ऑल पति हूँ मेरे, तुम्हारा हक बनता है मुझ पर। इतना कहते हुए कशिश ने विक्रम को खुद धकेल दिया और उसकी तरफ देखते हुए तंज से मुस्कुरा कर बोली, चाहे अब तुम कुछ भी कर लो विक्रम, हर हाल में हार तुम्हारी ही होगी। तुम्हारी हालत उस सांप की तरह है विक्रम, जिसने बिना सोचे समझे ऐसा निवाला निगलने की कोशिश की जिसे ना तो वो पूरी तरह से खा सकता है और ना ही उगल सकता है। ना तो तुम मुझे अपनी आंखों के सामने सह पाओगे और ना तुम्हारी जिंदगी से मुझे अलग कर पाओगे, क्योंकि ऐसा करने से वही समाज तुम पर 100 सवाल उठाएगी, जिसका हवाला देकर तुम मुझे मरने की नसीहत देकर आए थे। फंस चुके हो विक्रम, तुम बुरी तरह से फंस चुके हो। कशिश की बातें जैसे विक्रम के जले पर नमक का काम कर रही थी।
उसने कशिश को घूर कर देखा और तेज कदमों से चलते हुए कमरे से बाहर निकलकर उमेश जी के कमरे की तरफ बढ़ा। उमेश जी अपने कमरे में किसी से बात कर रहे थे। विक्रम को इस तरह गुस्से में अपने कमरे के बाहर खड़े देख उन्होंने फोन रख दिया और विक्रम को अंदर आने के लिए कहा। क्यों क्यों किया आपने पापा ऐसा? मुझसे बिना पूछे आपने इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया? विक्रम ने गुस्से से दिल मिलाकर उमेश जी से पूछा तो उन्होंने सख्त आवाज में विक्रम से कहा, तो और क्या करता मैं? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अपनी सीट छोड़ देता? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में कुछ पता नहीं होता? सब पता है मुझे। तूने आज जितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है उन सब का खबर है मुझे। लेकिन आज से पहले कभी बात मेरी सीट तक नहीं पहुंची, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद होने वाला था, इसलिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। अब ये बकवास बंद करो और जाकर अपनी बीवी के साथ गृहस्थ जीवन का आरंभ करो। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो विक्रम, उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त हम पर टिकी है। उससे अगर कुछ भी हुआ तो सच्चाई बाहर आने में देर नहीं लगेगी, फिर मेरे हाथों में भी कुछ नहीं रहेगा। उमेश जी की बात सुनकर विक्रम झंझलाते हुए उनके कमरे से निकल गया और अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए बाहर निकल गया। अब क्या करेगा विक्रम? क्या मिलेगी विक्रम को उसके किए की सजा? क्या करेगी आगे कशिश? क्या पहुंचाएगी विक्रम को उसके अंजाम तक? जानने के लिए देखते रहिए रात का दरिंदा हमारे YouTube चैनल कहकशा FM पर।